हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। चलिए आज मैं फटाफट आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए ऊपर में सबसे ऊपर लिखी हुई है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करें या फिर 16 महाजनपदों का वर्णन करें। हम लोगों को आज क्या पढ़ने हैं, 16 महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हमने ये जो नोट्स तैयार किया है स्पेशली आपके लिए तैयार किया है, बड़ी सरल भाषा में है, आप चाहें तो इसे बहुत ही जल्दी से समझ सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का विचार है कि लगभग 1 सहस्त्र ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक के काल में अनेक जनपदों का उदय हुआ। किसने कहा, वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा कि 500 तक, 1 सहस्त्र ईसा पूर्व से 500 तक जो काल था उसमें बहुत सारे जनपदों का उदय हुआ। जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जीवन की इकाई बन गए। कालांतर में प्रत्येक जनपद का विस्तार हो रहा था। यह आप समझ सकते हैं कि समय समय के साथ साथ जो है जनपद वह विस्तृत होता गया। जनपद के सीमा विस्तार की भावना तथा पारस्परिक या आपसी युद्धों से भी ये विस्तृत हुए। आपसी युद्ध हुआ उसमें ये अलग अलग हो गए। तो और इसके साथ ही जनपद महाजनपद में तब्दील होते गए। ये आपको लिखनी है, महाजनपद में तब्दील होते चले गए। और भी एक बात थी, बौद्ध धर्म का एक था अंगुत्तर निकाय ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये देखिए हमने 16 महाजनपद यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। आपको ये याद रखने हैं। अभी हम लोग सबके बारे में कुछ ना कुछ ब्रीफ नॉलेज हम लोग लेंगे। किस में ये मिला था 16 महाजनपदों का वर्णन, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में, ये बताना है आपको। चलिए इसके बाद जैन धर्म में भी, जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें इस 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और इनके नाम यहाँ पर कुछ अलग हैं, थोड़े से नाम कुछ अलग हैं। काशी, कोशल, मगध, अंग, वंग, मलय, मालव, अच्छ, वच्छ, कोच्छ, पाठ्य, लाड़, वज्जी, मेली, मोली, अवध और शंभुत्तर। ये सारे कुछ नाम हैं यहाँ पर। आपको एकदम विस्तार में हम लोग सब ले चलेंगे, आपको हर एक महाजनपद के बारे में हमें पढ़नी है विस्तार से। जब ध्यान पूर्वक समझिए, अंग के बारे में आप याद रखिए कि यह वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसे चंपा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसका प्राचीन नाम मालिनी था। यह शहर गंगा और चंपा नदी के संगम पर अवस्थित थी। ये बात याद रखनी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गंगा और संगम, गंगा और चंपा नदी के संगम पर स्थित थी। उस समय जो थी चंपा नगरी, जिसे हमने चंपा कहा भी, वह जो चंपा नगरी थी उस समय अपने व्यापार वाणिज्य तथा वैभव के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। किसके लिए, व्यापार वाणिज्य और वैभव के लिए। चंपा नदी अंग तथा मगध महाजनपद को अलग करती थी। ये देखिए, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर चंपा नदी है, इस साइड अंग है, इस साइड मगध है, ठीक है। तो ये जो चंपा नदी थी वह अंग को और मगध को अलग करती थी। बिंबिसार के समय में अंग मगध महाजनपद में सम्मिलित कर दिया गया था। आप पढ़ रहे होंगे जब बिंबिसार अजात शत्रु सबके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर बिंबिसार के बारे में बताया गया कि बिंबिसार ने अंग प्रदेश को मगध महाजनपद में मिला लिया था। व्यापार मार्ग चंपा नदी से होते हुए दक्षिण एशिया की ओर जाती थी। क्या थी व्यापार मार्ग, चंपा से होते हुए दक्षिण एशिया तक जाती थी। अब दूसरे जनपद पर आते हैं, मगध जनपद महाजनपद। यह बिहार के दक्षिणी भागों में स्थित था। बिहार के दक्षिणी भाग वर्तमान में पटना और गया जिला इसके अंतर्गत आते थे। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी और गिरिवज थी।
ये याद रखनी है, राजधानी आपको एकदम खास तौर पर याद रखना है, राजगिरी अथवा गृहब्रज, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है, ये बात तो आप सभी जानते हो। और एक बात आपको ध्यान से उसमें आंसर में ये बताना है कि मगध ऐसा महाजनपद है जो जो यह नगर था राजगीर, वह 5 पहाड़ियों के बीच में अवस्थित था। यह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, इसके आसपास के महाजनपद भी इसमें मिल गए और इसके अधीन हो गए। अगर इस महाजनपद की सीमा विस्तार के बारे में बात करें तो यह उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में स्वर्ण नदी तक विस्तृत थी। एक बार फिर से साम्राज्य विस्तार में बता देता हूँ, मगध की क्या थी, पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में स्वर्ण नदी तक और उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, ये थी मगध के बारे में। अब चलिए हम लोग तीसरे जो हमने पढ़ा काशी, तीसरे महाजनपद पर चर्चा करते हैं। काशी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। जैसे देखिए यहाँ पर हमने भौगोलिक स्थिति भी इसकी लिख दी है, उत्तर में वरुणा, दक्षिण में अस्सी नदी के बीच का जो क्षेत्र था वाराणसी, वह इसकी राजधानी थी। ठीक है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में भी इसका विस्तृत उल्लेख पाया जाता है। बौद्ध और जैन के जो ग्रंथ हैं उसमें भी इसको इसका उल्लेख मिलता है, काशी महाजनपद का। जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा रहे थे। ठीक है, काशी एवं कौशल के साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध होते रहता है, ये तो बात कॉमन है। काशी और कौशल में जो साम्राज्य विस्तार की भावनाएं थी उस चीज को लेकर के आपस में दोनों में मतभेद होता था, जिससे काशी महाजनपद कमजोर होता चला गया और अंततः कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी आपको जिक्र करनी है परीक्षा में, ये मैं आपके आसानी के लिए ही इतनी कुछ मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कौशल, यह वर्तमान अवध का क्षेत्र है, जो वर्तमान अवध का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है और रामायण में इसका जिक्र मिलता है। रामायण काल में इसकी जो राजधानी थी वह अयोध्या नगरी थी, आप सभी जानते हैं। कौशल महाजनपद को सरयू नदी दो हिस्सों में बांटती थी। उत्तरी कौशल जो थी, उत्तरी कौशल उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती, ये एकदम आपको बताना है। उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। दो प्रमुख नगर थे इसमें, साकेत और अयोध्या। बुद्ध के उदय काल में इसका विशेष रूप से विस्तार हुआ था, जब बुद्ध थे, बुद्ध का जब उदय काल था वहां पर, तो उस समय कौशल महाजनपद बड़ी तेजी से विस्तृत होता जा रहा था। कौशल का शासक उस समय प्रसेनजीत था, बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु तथा प्रसेनजीत के पारस्परिक संघर्ष का वर्णन हमें कई ग्रंथों में मिलता है, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। और इसके आइए भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है? यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक, उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, अब आइए वज्जी पर, हम लोग वज्जी पर चर्चा करते हैं। वज्जी दरअसल 8 राज्यों का संघ था जो आधुनिक बिहार के उत्तरी क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, ये पॉइंट याद रखनी है, मैं 3 पॉइंट अभी बता रहा हूँ। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। क्या क्या बताया हमने? वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, ये विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। 4 अन्य राज्य थे उसमें, उग्र, भोग, इच्छ्वाकु और कौरव। ठीक है,
महावीर तथा गौतम बुद्ध के समय वज्जी संघ विद्यमान था, ये याद रखनी है आपको। महावीर तथा गौतम बुद्ध जिस समय थे उस समय वज्जी संघ भी विद्यमान था। गौतम बुद्ध कई बार अपने धर्मोपदेश के लिए वैशाली गए थे, ये तो आप सभी भी जान रहे होंगे। वैशाली कई बार गौतम बुद्ध गए हुए थे अपने धर्मोपदेश के लिए। बाद में मगध के अजात शत्रु ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। वज्जी के बारे में बस इतनी छोटी सी जानकारी देनी है कि मगध के शासक थे एक अजात शत्रु, उन्होंने अपने साम्राज्य में इसे बाद में कालांतर में मिला लिया था। अब आइए मल्ल पर चर्चा करते हैं। मल्ल मल्ल महाजनपद जो है यह भी दो जनपदों का संघ था। प्रथम है कुशीनारा का मल्ल, दूसरा पावा का मल्ल, ये याद रखनी है। कुशीनारा का मल और दूसरा पावा का मल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आधुनिक कशिया कुशीनारा था तथा दक्षिण पूर्व में आधुनिक फजलपुर पावा नगरी था। समझा आपने क्या मैंने बोला? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आधुनिक कशिया मतलब कुशीनारा था, कशिया शहर को उसमें कुशीनारा कहते थे, और दक्षिण पूर्व में आधुनिक जो फजलपुर नामक जगह है वह उस समय पावा नगरी हुआ करता था। शुरुआत में यहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। मल्ल याद रखनी है आपको, शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी जो बाद में प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में तब्दील हो गई। और एक बात ध्यान देनी है इसमें, बुद्ध काल में इसका अस्तित्व जो था वह स्वतंत्र बना रहा था, ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए आइए चेदी पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तथा उसके आसपास के क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सोत्थीवती, ये याद रखनी है। इसको सुक्तिमती भी कहते हैं। महाभारत काल में यहाँ के राजा शिशुपाल हुए करते थे, जिनका वध श्री कृष्ण ने किया था, ठीक है। इसका वर्णन हमें महाभारत काल में मिलता है। चेदी का बहुत ही ब्रीफ में हमने बताया है, एकदम ध्यान से समझते जाएंगे आप सभी। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इतने अच्छे से नोट्स बना करके आपको बता रहा हूँ। मैं नेक्स्ट टॉपिक है वत्स। यह गंगा नदी के दक्षिण में स्थित थी, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। यह प्रयागराज मतलब जो आज इलाहाबाद को प्रयागराज हम लोग कह रहे हैं, यह इलाहाबाद से करीब की दूरी पर स्थित था। कौशाम्बी संस्कृति और व्यापार का प्रसिद्ध नगर था। कौशाम्बी यह नगर उस व्यापारिक मार्ग पर थी जो विदिशा एवं उज्जैन होते हुए दक्षिण मार्ग की ओर जाती थी। कौन सा नगर? कौशाम्बी कहाँ पर स्थित थी? एक ऐसे व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी जहाँ से विदिशा एवं उज्जैन होते हुए दक्षिण भारत की ओर जाती थी वो मार्ग। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने पर वहां के राजा नीचक्षु ने कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाया था। क्या बताया हमने? विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने पर वहां के राजा नीचक्षु ने कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाया था। बुद्ध काल में वत्स के राजा कौन थे? उदयन। एकदम याद रखनी है ये सभी चीज। बुद्ध काल में वत्स के राजा थे उदयन। उदयन के बाद उसका उत्तराधिकारी बोधि हुआ, जिसके पश्चात ही वत्स महाजनपद का पतन हो गया। बोधि के कारण ही वहां पर जो वत्स महाजनपद था वो खत्म हो गया। कुरु के बारे में हम लोग तो चर्चा करते हैं। यह दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पाली ग्रंथों के अनुसार कुरु के जो शासक थे युधिष्ठिर वह गोत्री थे। बौद्ध जातकों और जैन आराध्यन सूत्र में कुरु प्रदेश के राजाओं का वर्णन मिलता है। ये आपको बतानी है। बौद्ध जातकों एवं जैन आराध्यन सूत्र में कुरु प्रदेश के राजाओं का वर्णन मिलता है। शुरुआत में यहाँ भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, लेकिन बाद में फिर से प्रजातंत्रात्मक हो गया। बुद्ध के युग में यह गणराज्य के रूप में रहा था। बुद्ध जब तक थे वहां पर कुरु महाजनपद जो था वह गणराज्य के रूप में था। आप सभी को समझ में आ रही है? देखिए इसलिए हमने सरल भाषा में इसे प्रिपेयर किया है। अब आइए पांचाल। आप सभी जानते हो आधुनिक रुहेलखंड और गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वह पांचाल राज्य में था।
यह राज्य दो भागों में विभक्त था, दो भागों में बटा हुआ था। पांचाल राज्य दो भाग में बटा हुआ था, जो उत्तरी पांचाल थी उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल जो थी उसकी राजधानी थी कांपिल्य। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। कान्यकुब्ज वहाँ की एक प्रमुख नगर थी। ये सारी बातें आपको बतानी है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने चार पांच लाइनों में लिखी है। कान्यकुब्ज नामक एक प्रमुख नगर थी, और दरअसल बौद्ध जातक ग्रंथों और जैन उत्तराध्ययन सूत्र तथा स्वप्न वासोदत्त नाटक के अनुसार ब्रह्मदत्त पांचाल का एक प्रसिद्ध शासक था। ये आपको बतानी नहीं है, मैंने देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस इतना इतना सही पोर्शन आपको लिखना है। ठीक, अब आइए मत्स्य पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस मत्स्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह मत्स्य जो है, यह राजस्थान के वर्तमान जो जयपुर, अलवर और भरतपुर जैसे जगह हैं उसके अंतर्गत मत्स्य महाजनपद आते थे। यहाँ की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। उनके नाम पर ही उस राजधानी के नाम को रखा गया था। दुर्बल एवं पराधीन होने के कारण बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा इसका उल्लेख मिलता है कि यह दुर्बल शासक थे, पराधीन हो गए थे। महाभारत काल में यह चेदी के अधीन था। महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। वहाँ बताते हैं कि महाभारत काल में जो मत्स्य महाजनपद था वह चेदी के अधीन था। कालांतर में यह मगध के अधीन हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया चेदी महाजनपद मगध के अधीन हो गया। अब आइए सूर सेन पर चर्चा करते हैं हम लोग। आधुनिक ब्रजमंडल में यह महाजनपद स्थित था। अभी जो ब्रजमंडल क्षेत्र है वह सूरसेन वहीं पर स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा अपने वैभव और समृद्धि तथा ज्ञान विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ये बात एकदम याद रखनी है आपको। मथुरा कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ? श्री कृष्ण की नगरी। ठीक है, महाभारत काल में यादव शासकों का उल्लेख मिलता है, जो यदुवंशी कहते हैं हम लोग। यदुवंशी का महाभारत काल में उल्लेख मिलता है। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध का सर्वप्रमुख शिष्य था। क्या बताया हमने? बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध का सर्वप्रमुख शिष्य था। सूरसेन की चर्चा हमने कर ली। देखिए, एकदम छोटे छोटे चार चार लाइनों में आपका सबका जवाब देना है आपको। ठीक है, अब आइए अस्मक पर। अस्मक दरअसल आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, और इसकी राजधानी पोतन या फिर पोटिल, दो नाम लिखा है हमने, पोतन या पोटिल, ये इसकी राजधानी थी। वायु पुराण में क्या कहा गया कि यहाँ जो इक्ष्वाकुवंशी शासक थे वह इसी अस्मक नामक महाजनपद में रह रहे थे, इक्ष्वाकुवंशी शासक। बौद्ध काल में अस्मक राजाओं तथा अवंती के राजाओं के बीच सीमा विस्तार के लिए संघर्ष हुआ करते थे। बौद्ध के समय में ही, बुद्ध के समय में यहाँ के कुछ कुछ राजा थे जिनके बीच में संघर्ष हुआ करता था। इनके परिणाम स्वरूप अस्मक राज्य अवंती के अधीन हो गया। जब ज़्यादा संघर्ष छिड़ने लगी तो उसके बाद क्या हुआ कि अवंती के अधीन हो गया हमारा अस्मक महाजनपद। अब अवंती कितना ज़्यादा शक्तिशाली था, चलिए अवंती की ओर चलते हैं। अवंती यह महाजनपद जो था मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी हम लोग उज्जैनी कहते हैं, एक दूसरी भाग थी दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी हम लोग माहिष्मति कहते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ बोला हमने? उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ बोला हमने बताइए, ढूंढिए, याद कीजिए। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मति। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो थी इसी महाजनपद के अंतर्गत आती थी। ये सारी बातें आपको जिक्र करनी है। अवंती का सबसे प्रमुख शासक महासेन चंड तथा प्रद्योत था। अवंती का सबसे प्रमुख शासक महासेन चंड तथा प्रद्योत था। पुराणों के अनुसार प्रद्योत ने 26 वर्ष तक, माफ कीजिएगा, 23 वर्ष तक शासन किया। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इतनी सरल अवस्था में हमने लिखी है,
मैं चाहता हूं कि आप सभी इतने सरल लिख करके सारी बातों को छोटे से छोटे शब्दों में आप तब्दील करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पंक्तियाँ, ज़्यादा उसको बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, तो कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करनी है, इसलिए मैंने इतनी लिख लिख करके मैं एक एक लाइन पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। पुराणों के अनुसार प्रद्योत ने 23 वर्ष तक शासन किया, वह बुद्ध का समकालीन था और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। किसने? प्रद्योत ने, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उज्जैन बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। उज्जैन बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। अब आइए जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं हम लोग गांधार की ओर। वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर यह महाजनपद अवस्थित था। कहाँ था? गांधार। वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर अवस्थित था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये सब याद रखनी है आपको, राजधानी तो बतानी है, वर्तमान स्थिति बतानी है। तक्षशिला व्यापारिक केंद्र के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में यहाँ का राजा पुष्कर सारीन मगध राजा बिंबिसार और बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, अब आइए कंबोज जो अंतिम महाजनपद है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह गांधार राज्य का पड़ोसी राज्य था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में गांधार एवं कंबोज का साथ साथ उल्लेख मिलता है। ये सारी बातें आपको बतानी है। इसकी राजधानी थी हाटक। उत्तर वैदिक युग में कंबोज ब्राह्मण विद्या एवं धर्म का केंद्र था। ठीक है, महाभारत में कंबोज के चंद्रवर्मन और सुदक्षिण नामक दो राजाओं का वर्णन मिलता है। महाभारत में किसमें बता रहे हैं? महाभारत में कंबोज के चंद्रवर्मन और सुदक्षिण नामक दो राजाओं का वर्णन मिलता है। प्रारंभ में यहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, लेकिन बाद में गणराज्य स्थापित हो गया। मुझे लगता है कि शायद आप सभी इस आसान से नोट को अच्छे से आप समझ पाए होंगे, तो इसी आशा के साथ मैं अभी फिलहाल महाजनपद बताते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और विदा लेने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, यह नोट्स आपको अच्छा मिल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मैं आपको अगले वीडियो में ये आप देख पा रहे हैं बुद्धकालीन भारत के राज्य का मैं वर्णन करूँगा, गणराज्य का। चलिए फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।